भागवत का आठवां स्कंद जिसमें मन्वंतर की कथा का वर्णन है। मन्वंतर एक काल की अवधि है और उस काल की अवधि में भगवान का जो अवतार होता है उसे मन्वंतरा अवतार कहते हैं। भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार होते हैं, युगा अवतार, पुरुषा अवतार, शक्त्यावेश अवतार, उनमें से एक है मन्वंतरा अवतार। श्रीमद् भागवत का आठवां स्कंद जिसमें मन्वंतर की कथा है, मन्वंतर अवतार की कथा है। सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात, एक बहुत सुंदर वन था और उस वन में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था और वह हाथी पूरे वन पूरे जंगल का राजा था। उसे गजेंद्र कहते थे। गजेंद्र की महिमा बताते हुए कहते थे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गजेंद्र के कारण जितने भी निर्दोष पशु पक्षी थे वो निश्चिंत रहते थे कि हमारा बाप गजेंद्र जब तक हमारे साथ है हमें कोई चिंता नहीं है। हिरण खरगोश सब निश्चिंत, और बड़े बड़े खूंखार पशु सिंह सियार गजेंद्र के भय से भयभीत होते थे। गजेंद्र की अनेकों सैकड़ों पत्नियां थी, अनेक बच्चे थे। एक दिन गजेंद्र पत्नी और बच्चों को लेकर पिकनिक करने गया, जैसे हम लोग हमारे बच्चों को लेकर पिकनिक करने जाते हैं। अब गया तो अच्छी बात है, गृहस्थ का कर्तव्य भी है कि ये सब करना चाहिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सैकड़ों पत्नी बच्चों को लेकर गजेंद्र जो जा रहा था, गजेंद्र की गरिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गजेंद्र जब दौड़ता ये धरती डोलने लगती। बहुत बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ते हुए जंगल झाड़ी के रास्ते से जब जाता था, कहते हैं जिस मार्ग से गजेंद्र निकल जाता वो मार्ग हाईवे बन जाता। ऐसी गरिमावंत गजेंद्र चलते चलते वन में पहुंचा। ग्रीष्म ऋतु का समय था, त्रिकुट पर्वत की तलेटी थी। गजेंद्र ने स्वयं जल पिया। सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग में कहते हैं यथा गृही, जैसे हम लोग ट्रेन से बस से जाते हैं, जब कोई स्टेशन आता है तो पत्नी बच्चों को ट्रेन में बिठाता है, बंदा नीचे उतरता है, वेफर पानी सब कुछ लेकर आता है, ऐसे ही गजेंद्र गया। कथा हाथी की नहीं, कथा हम गृहस्थों की है। गजेंद्र उतरा, स्वयं जल पिया, अपनी सूंड से जल लेकर पत्नियों को पिलाया, बच्चों को पिलाया। अब सबने जल पी लिया, तृप्त हो गए और अब गजेंद्र बच्चों के साथ खेलने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते यहां तक ठीक है कि भाई जाओ खाओ पियो खेलो, लेकिन अति जो है ना, किसी भी चीज में अति जो है, चाणक्य पंडित ने नीति में लिखा अति सर्वत्र वर्जयेत, सभी फील्ड में भक्ति को छोड़कर सभी जगह पर अति जो है वर्जयेत। वो लिखते हैं अति रूपा यता सीता अति गर्वेण रावण अति दानात बलि बंदो अति सर्वत्र वर्जयेत। अब अति होने लगा, जल ले लेकर पानी फेंकने लगा, बच्चे खेलने लगे, बच्चों को आनंद आने लगा, कुछ जल के छिड़के गजेंद्र की पत्नी के ऊपर उड़े, वो भी शर्मा कर अजी हम पर मत फेंको। गजेंद्र को और आनंद आया, कुछ मस्ती हो रही है। अब गजेंद्र का मोटा शरीर था, मोटा तगड़ा शरीर था और जल उठा उठा कर डाल रहा था, वो सरोवर का जल पूरा आंदोलित होने लगा। नहीं बताए, कुछ लोग स्विमिंग पूल में कूदते हैं ना, सारा पानी बाहर निकल जाता है, वो बंदा अकेला बिना पानी के खड़ा रहता है, सारा पानी आंदोलित होने लगा। उसी सरोवर के गहराई में एक ग्राह,
एक मगरमच्छ रहता था। बोले मेरे घर में आकर इतनी उच्छृंखलता, वो ग्राहक गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। अब गजेंद्र ने सोचा कि होगा कोई साधारण जीव, अपना पांव दो तीन बार हिलाया। ये गजेंद्र की कथा हाथी की नहीं, हम सबकी व्यथा है। छोटी मोटी बीमारी में हम तो देखते ही नहीं है, होगा छोटा मोटा। गजेंद्र खेलता रहा। बड़े दुख के साथ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मौत गजेंद्र के मस्तक पर आ चुकी है, लेकिन तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति। मौत निकट आ चुकी है लेकिन देखने पर भी समझ नहीं पा रहा है, मतवाला है अपनी पत्नी बच्चों में, अपने घर गृहस्थी समाज में। उस ग्राह ने अब गजेंद्र के पांव को खींचना शुरू किया। तब गजेंद्र को एहसास हुआ कि कुछ भारी गड़बड़ है। हॉस्पिटल में गया, रिपोर्ट करवाया, पता चला कैंसर सेकेंड स्टेज। पची हूं होता है पची हाथ में रिपोर्ट नी थेली अने हॉस्पिटल ना चक्कर चालू थाय। अब गजेंद्र का खेलना कूदना बंद, अब सारा कॉन्सेंट्रेशन उस ग्राह के ऊपर आया। गजेंद्र और ग्राह का दमासान युद्ध शुरू हुआ, भयंकर युद्ध। और युद्ध में धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति घटती गई, ग्राह की शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि गजेंद्र अपने स्थान पर नहीं था, वो ग्राह के स्थान पर फंसा था। कहते ना अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता, ये ऐसा हो रहा था। क्योंकि हाथी जल का आदमी नहीं है, हाथी धरती का पशु है। ग्राह यदि धरती पर होता ना तो इसे हजारों ग्राह को गजेंद्र उठाकर फेंक दिया होता। क्या करे बेचारा, किसी अन्य जगह पर फंसा है। गजेंद्र की शक्ति घटती गई, ग्राह की शक्ति बढ़ती गई। अब गजेंद्र को बचाने के लिए उनके समाज ने बड़ा प्रयास किया। उनकी पत्नियों ने, बच्चों ने एक दूसरे से सूंड पूंछ पकड़कर एक चेन बनाई और गजेंद्र को इसे बाहर खींचने का बड़ा प्रयास किया। जैसे समाज में किसी व्यक्ति को मौत के मुख से बचाने के लिए बड़ा प्रयास किया जाता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, चाहे कितनी भी समाज सेवा कर लो, इस दुनिया में चाहे किसी की कितनी भी सेवा करो, किसी कितना भी प्रेम करो, आपको मृत्यु से नहीं बचा पाएंगे, मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। अरे मौत छोड़ो, अपने छोटे से लाला को, अपने बेटे को 104 106 डिग्री बुखार हो ना, एक डिग्री भी हम नहीं ले सकते, मौत तो क्या बचा सकेंगे। समाज ने, परिवार ने बड़ा प्रयास किया। हम भी समाज में रहे, परिवार में रहे, हमारे कर्तव्य निभाए, लेकिन मौत से, ये बारंबार जन्म मृत्यु से बचाएंगे तो एकमात्र भगवान ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। गजेंद्र फंसा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवताओं के 100 साल तक युद्ध चला, सारे देवता आकाश में आकर युद्ध देख रहे हैं, एक नीचे नो उतरो। हूँ तो घनी वार विचार करूं कि जारे जारे युद्ध थया, देवताओ आकाश में आवीन मात्र जुए, आम आमाथी एक ने तो नीचे उतर, 33 करोड़ तमे छो, एक तो नीचे उतरी बिचारा ने अलग करो, नहीं। दूसरों का झगड़ा देखने में कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है। एक भी नीचे नहीं आया। और वह ग्राह गजेंद्र को खींचकर बीच सरोवर में लेकर गया। अब गजेंद्र का केवल मस्तक बचा है। गजेंद्र को डूबने की पूर्ण तैयारी, अब गजेंद्र डूबने ही वाला है। एक घड़ी बची है, लेकिन उस डूबते समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूर्व जन्म में याद किया हुआ स्त्रोत गजेंद्र को स्मरण हो गया। जैसे ही डूबने जा रहा था, सुखदेव जी कहते हैं एवं व्यवस्थिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। गजेंद्र को भगवान की याद आई,
और जैसे ही डूबने वाला था, मस्तक जा ही रहा था, गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल, सूरदास की रचना है ये। गजेंद्र ने कहा हे गोविंद हे गोपाल बचाओ मुझे बचाओ, मानो भगवान कहे गजेंद्र क्या हुआ हुआ क्या। गजेंद्र कहता है नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रा चरण तरी पचारे, प्रहर युद्ध भयो ले गयो मजदारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मजदारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, शब्द गयो शोर भयो बारे, कई बार हमारे मन में होता है शंका होती है कि हम यहाँ पर भगवान का नाम ले रहे हैं, हम यहाँ भगवान को पुकार रहे हैं, क्या भगवान हमारी बात सुनते होंगे, क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनते होंगे। एक हाथी की बात जब भगवान सुन लिए तो क्या मनुष्य की बात नहीं सुन सकते। एक हाथी ने पुकारा है, हाथी ने पुकारा हे गोविंद हे गोपाल। सूरदास जी लिखते हैं कि गजेंद्र का वह शब्द ये पृथ्वी लोक जन लोक मर लोक स्वर्ग लोक तप लोक सिद्ध लोक ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में पहुंचा। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो बारे, अरे शंख चक्र गदा पद सुधारे, शंख चक्र पहुंचा है। भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं, रुक्मणी जामवती सत्यभामा पद्मा कालिंदी नग्नजिता अनेकों पत्नियां कृष्ण की सेवा कर रही हैं, सोने के आसन पर सोने के प्लेट में भोजन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा वह नाद वैकुंठ द्वारिका में पहुंचा, कृष्ण का सिंहासन हिलने लगा, कृष्ण के कानों में एक ही ध्वनि हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे। कृष्ण के कान में एक ही ध्वनि है गोविंद हे गोपाल मेरे जीवन को बचाओ। कृष्ण उस सोने के सिंहासन से कूद गए, दौड़ने लगे, कृष्ण के वस्त्रों का ठिकाना नहीं,
दुपट्टा गिर गया, बाल बिखर गए। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए तेज गति से है गोविंद है गोपाल तो जीवन हारे के प्रभु आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुरंत पहुंचा दूंगा आपको। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे, गरुड़ मन की गति से उड़ता है। मैं यहां से बोलूं अमेरिका, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, मैं अमेरिका पहुंच गया, इतनी तेज गति। लेकिन आज गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कृष्ण को गरुड़ की गति मंद लगने लगी। आज जब गजेंद्र पुकार रहा है कृष्ण को, गरुड़ की गति मंद लगने लगी। गरुड़ तू चलत अति मंद गति, तू बहुत धीरे चल रहा है। और भगवान विष्णु गरुड़ को छोड़ दिए और गरुड़ के ऊपर से कूद गए। सब आये महियाला कृष्ण कृपाला बंशीवाला बनवारी मेरा सुखकारी मित्र मुरारी गये विसारी गिरधारी रे हे कृष्ण जल्दी आइए मैं मरने जा रहा। और उसी समय भगवान विष्णु आए, अपने हाथ पर सुदर्शन चक्र चढ़ाए और ग्राह का मस्तक काटे गजेंद्र को। और उस गजेंद्र को सदेह गरुड़ पहुंचा, अपने गरुड़ पर बिठाया और सदेह भगवान गजेंद्र को लेकर अपने धाम वैकुंठ को चले गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की गजेंद्र को मरने का मौका नहीं दिया, उसी शरीर को लेकर चले गए। नहीं तो भगवान होते तो कहते तुम मर जाओगे और फिर आत्मा को लेकर, आत्मा फात्मा नहीं गजेंद्र, ये शरीर को लेकर मेरे साथ। इस प्रकार भगवान हरि ने इस मन्वंतर में गजेंद्र का उद्धार किया। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।